आधी अधूरी तैयारी के बीच आज राष्ट्रीय दशहरा मेले का आगाज कर दिया गया। ना तो दशहरा मैदान में पूरी तरह से दुकानें लग सकी और ना ही आवश्यक निर्माण कार्य पूरे हो सके। आज भी मेले ग्राउंड और उसके आसपास निर्माण कार्य चल रहा है। अब तक 400 स्थायी दुकानदारों को दुकानों का आवंटन हो चुका है, लेकिन मेले में फूड जोन में इक्का दुक्का दुकानें सज सकी। यहाँ भी कोटा के स्थानीय दुकानदार है जो सालों से फूड जोन में अपनी दुकानें लगाते आ रहे हैं। मेला समिति द्वारा बैठक में यह तय किया गया था कि 3 अक्टूबर तक जो दुकानदार अपनी दुकान नहीं लगाएगा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की मेला समिति ना तो अपनी बात पर अडिग नजर आई, ना ही पूरी दुकानों का आवंटन कर सके। हमारे परेशानी यह है कि हमारी जमी जूती दुकानें थी, दुकानें अब इधर से फ्रूट जोन में से हटा के हमें कह रहे हैं कि उधर लगाओ उधर लगाओ। हमारे उधर कोई सेटिंग बैठ नहीं रहा है, दुकानें सारी बिल्कुल बेकार है, मतलब हमारा काम चलेगा ही नहीं उधर। नहीं, जल्दी तो शुरू का कारण ये है ना कि रामलीला चालू हो जाएगी आज से, और उद्घाटन तो है ही, तो उनको दुकानदार को कराया कि भाई जल्दी चालू करो। अब ये 9 दिन तक उजाड़ रहता है, कम से कम चालू तो हो जाएगा, दुकानदार के भी हाथ पैर ठीक हो जाएंगे, सेटिंग हो जाएगी बढ़िया।